गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान नीति टूवर्ड सक्सेस चैनल पे। IBPS RRB PO एंड क्लर्क के टू डू लिस्ट का आज डे 37 है, जो कि हमारा 45 डे स्टडी प्लान चल रहा है। आई होप कि आप अपना 100% स्टडी प्लान पे दे रहे हो। तो लगभग हमारा आप जो 45 डेज का प्लान था वो बहुत निकट हम आ चुके हैं अपने प्लान पे, और हमारा एग्ज़ाम भी 1 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। मीन्स कि 1 अगस्त को हमारे एग्ज़ाम के भी डेट आ चुके हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना है, अब हमको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना है। अच्छे तरीके से मतलब हम शुरू से ही अच्छे से कर रहे हैं, बट और ज़्यादा हमको क्या करना है, थोड़ा सा सीरियस हो जाना है अपने स्टडी को लेके, ठीक है। तो इसमें अब हम क्या करते हैं कि पर डे मॉर्निंग हम स्टार्ट करते हैं। तो अब सबसे पहले एक हम लोग क्या करते हैं, मॉक टेस्ट को लगाते हैं। उससे क्या हो जाता है, पर डे हमारी जो मॉक टेस्ट रहेगी तो हमारी स्पीड अच्छी हो जाएगी, और एक्चुअल एग्ज़ाम का हमें क्या हो जाएगा, एग्ज़ाम का हमको ये रहेगा, एग्ज़ाम में जो प्रेशर बनता है तो वो हम जो मॉक टेस्ट देंगे तो उससे क्या होगा, हमारा प्रेशर एग्ज़ाम में नहीं होगा, क्योंकि हम एग्ज़ाम तो जो हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसके थ्रू हमारा डर हमारे अंदर से चला जाएगा। एक्चुअल हम एग्ज़ाम से की तरह हम मॉक टेस्ट को लगाएंगे, ठीक है। चलिए हम टू डू लिस्ट पे बढ़ते हैं आगे। टू डू लिस्ट सबसे पहले मॉर्निंग में 5:30 से 6:30 के बीच में आपको एक मॉक टेस्ट देना है। ये 45 मिनट का ही होता है, बट ये वही 1 घंटे के बीच में आप मॉक टेस्ट लगा लो, ठीक है। पीओ को लगाओ। पीओ को लगाने में क्या हो जाएगा, पीओ को अगर अच्छे से कर लेते हैं तो कर तो अच्छा होगा ही, इसलिए हमें पीओ का लगाना चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका हमको सारा क्वेश्चन इसके बाद सॉल्व करना चाहिए। ये क्यों करते हैं, क्योंकि इससे हमारे स्पीड को बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट मिलती है, इससे हमारी स्पीड बहुत इंक्रीज होती है और सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, इसलिए हमें ये सारी चीज़ करना ही करना होता है, ठीक है। उसके बाद न्यूज़पेपर में इंग्लिश और हिंदी दोनों के न्यूज़पेपर पढ़ने हैं। हिंदी के संपादकीय पेज, जिससे क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो जाएगा। मेंस में हिंदी लेते हैं तो उसमें बहुत हेल्प करेगा। और इंग्लिश जो भी पढ़ते हैं, इंग्लिश का न्यूज़पेपर जो पढ़ते हैं, जो वर्ड मीनिंग नहीं आता उसे क्या करना है, कलेक्ट करके रखना है, ठीक है, नोट करके कॉपी पे रख लेना है जो वर्ड मीनिंग नहीं आते। इससे क्या हो जाता है कि हमारी वर्ड पावर भी स्ट्रांग होती जाती है, वर्ड का स्टॉक भी हमारे पास होता है, और साथ ही साथ अंडरस्टैंडिंग भी इंग्लिश में हमारी इम्प्रूव होती जा रही है, ठीक है। उसके बाद आपको करंट अफेयर वीडियो या फिर PDF जो भी सोर्सेज से करते हैं उससे आपको करंट अफेयर करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 घंटे का आपको हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट देना है, ठीक है। हिंदी के प्रैक्टिस सेट देने से क्या होगा, आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में हिंदी में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे आपको हिंदी के प्रैक्टिस सेट से पता चल जाता है। इसके बाद इससे आगे चले तो आगे में हमको क्या, इसके आगे हमें चलना है तो आगे में हम चलेंगे तो रीजनिंग पे हम 2 घंटे का समय देते हैं, ठीक है। रीजनिंग में आज आपको करना है कोडिंग डिकोडिंग के 5 क्वेश्चन, अल्फानुमेरिक सीरीज के 5 क्वेश्चन, डायरेक्शन के 5 क्वेश्चन, सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट के 5 क्वेश्चन, और उसके बाद आपको पजल करने हैं, मंथ भी डेट बेस पजल करने हैं, 1 सीरीज का करना है, मेंस के 1 करना है। मेंस में मंथ विथ डेट बेस पजल मंथ आपको मेंस लेवल के करना है। उसके बाद पैरेलल रो बेस अरेंजमेंट के आपको 1 करने हैं रीजनिंग में, ठीक है। इतना रीजनिंग में कर लेते हैं तो आपकी स्पीड सच में बहुत अच्छी हो चुकी है, क्योंकि आप पर डे रीजनिंग में, पर डे पजल, पर डे ये स्कोरिंग टॉपिक जितनी होती है सारे टॉपिक को आप पर डे दे रहे हैं। चलिए इससे आगे हम चलते हैं, आगे हम जाते हैं तो हमें अर्थमेटिक में हमको क्या करना होता है, मिसिंग DI। आज हमको मिसिंग DI पे 3 सेट करना है, और मिसिंग DI पे वीडियोज़ भी मिलेगा, आप उससे अप्रोच सीख सकते हैं वीडियो देख के। उसके बाद आपको मेंस लेवल की 1 DI करनी है, जो कि मेंस लेवल की DI में के आप वीडियो भी देख के उसके अप्रोच सीख सकते हो। और अर्थमेटिक के आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, हर एक चैप्टर से अलग अलग क्वेश्चन लेके आपको 10 क्वेश्चन अर्थमेटिक के करने हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आती है इंग्लिश। इंग्लिश में आपको फिलर के 5 क्वेश्चन, RC आपको 1 सेट करना है, प्री के मैच द कॉलम 5 क्वेश्चन, एरर स्पॉटिंग के आपको 5 क्वेश्चन, आपको इंग्लिश में इतना करना।
एडिटोरियल और ये इंग्लिश के इतने टॉपिक, इससे इतना करने से ही आपकी इंग्लिश बहुत अच्छा जाएगा। और मॉक टेस्ट लगाते हैं तो मॉक टेस्ट से तो अभी तो सिर्फ हम लोग आरआरबी का कर रहे हैं तो उसमें इंग्लिश तो नहीं रहता है, पीडी का करते हैं। बाकी अगर जैसे आईबीपीएस ये सब का कर देते हैं, आईबीपीएस का कम, तो उसमें हमें इंग्लिश भी रहता है। तो इंग्लिश का कुछ दिन के बाद आप लोग को जब आरआरबी खत्म हो जाएगी तो हम लोग आईबीपीएस का मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है लगाना। चलिए उसके बाद अब आप बात आती है कि आपको इवनिंग में क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन किसका, जो मॉर्निंग में हम लोग वोकैब जो नोट करके रखते हैं उसको हमको रिवीजन करना है, और करेंट अफेयर जो मॉर्निंग में करते हैं उस करेंट अफेयर को एमसीक्यू के थ्रू रिवीजन करना है। एमसीक्यू के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कोर्सेज, हमारे ज्ञान नीति कोर्सेज ऐप पे जाओ या फिर साइट पे भी आप जाओगे तो वहाँ पे आपको ये कोर्सेज दिखेगी, जो इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। इस कोर्सेज में आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, एमसीक्यू के फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन दिखेंगे, जो कि 24 मंथ सब्सक्रिप्शन के साथ है। तो आप इसे बाय कर सकते हो, ठीक है। और आपको ज्ञान नीति ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देख दिया गया है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लो, जिसमें आपको फ्री मटेरियल भी प्रोवाइड हो रहा है, तो फ्री मटेरियल से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आपको कर क्या करना है, आगे आपको रात में कंप्यूटर पे और बैंकिंग अवेयरनेस पे आपको देने हैं। तो कंप्यूटर के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप अभिषेक सर के वीडियो को फॉलो करो, वो आपको थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है। तो आप अभिषेक सर से कंप्यूटर पढ़ लो। और बैंकिंग अवेयरनेस के लिए आज आपकी टॉपिक है रिकवरी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ये आपको आज टॉपिक क्लियर करने हैं। तो बैंकिंग अवेयरनेस के लिए कोर्स के लिए बताओ तो ये आपको वीडियो कोर्सेज हमारे ऐप पे दिखेंगी, तो ये यहाँ से जाके आप देखो और ये कोर्सेज भी आप बाय कर सकते, जिसमें बैंक के एकदम डिटेल में है और बायलैंग्वेल भी है, तो कोई इशू है नहीं, बायलैंग्वेल है तो आप जिस भी मीडियम से हो आराम से कर सकते हो। उसके बाद आपको अगर कंप्यूटर के और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो आप ये कोर्स को बाय कर सकते हो। ये कोर्स में 500 क्वेश्चन एबव है, तो इस कोर्सेज को भी बाय कर सकते हो। ये भी बायलैंग्वेल है, मीन्स हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको ये कोर्सेस दिख जाएंगे, मिलेंगे, तो आप इसे बाय कर सकते हो। यदि आपको ये पसंद आता है तो डेफिनेटली आप इसे बाय करो। और IBPS RRB PO एंड क्लर्क के मॉक टेस्ट भी आपको वहाँ पे अवेलेबल है, जो कि 100 से कम प्राइस का ही है, बहुत अफोर्डेबल प्राइस है हर एक कोर्सेज का है, आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपना रिव्यू आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये कितना यूजफुल है। हमारे ज्ञान नीति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। थैंक यू।